हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द मोस्ट आइडल सॉइल फॉर पेडी कल्टिवेशन। बताइए धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है। बताइए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट आइडल सॉइल फॉर पैडी कल्टिवेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड डायनेमो। डायनेमो को किनके द्वारा इन्वेंट किया गया। बताइए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माइकल फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ हल्दीघाटी फॉट इन व्हिच ईयर। बताइए हल्दीघाटी की युद्ध किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इन द ईयर 1576 18 ऑफ जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। राफेल नडाल इज अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री। बताइए राफेल नडाल जो हैं ये एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, तो कौन सी कंट्री के ये एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पेन के हैं और स्पेन की कैपिटल क्या होती है, मैड्रिड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टीम वॉन द IPL T20 2022 टाइटल। बताइए IPL 2022 को कौन सी टीम ने जीता है। 2023 तो भाई CSK ने जीता है ना रिसेंटली अभी, और जो 2022 का था T20 IPL इसको जीता था ऑप्शन नंबर डी, गुजरात टाइटंस की टीम ने, है ना, जो इस बार की रनर अप टीम रही थी हार्दिक पांड्या की टीम। चलिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रोड अहेड। बताइए द रोड अहेड के, यहाँ पे AHEAD, ठीक है, द रोड अहेड के ऑथर बताइए कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल। बताइए इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ एन एरा ऑफ डार्कनेस। बताइए एन एरा ऑफ डार्कनेस के ऑथर कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शशि थरूर इज द ऑथर ऑफ एन एरा ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। बताइए WTO जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, एक WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड। लेकिन ये जो है आपका ये WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ, ऑप्शन नंबर सी, मैड्रिड, जो कि स्पेन की कैपिटल है। ऊपर मैंने आपको बताया था स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में है ना। चलिए, वेयर इज़ द यूक्रेन पीस समिट 2023 हेल्ड। बताइए यूक्रेन पीस समिट 2023 कहाँ हुआ। बताइए यूक्रेन की राजधानी क्या होती है भाई, ये भी माइंड में रखिएगा, कीव, है ना। और ये जो है ये समिट, यूक्रेन पीस समिट 2023 ये कहाँ हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट शुभ यात्रा योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड। हाल ही में कौन से राज्य में शुभ यात्रा योजना को लॉन्च किया गया। बताइए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वीड्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। बताइए सी वीड्स जो है ये किसका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। राइट आंसर ऑप्शन ए, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड एट। बताइए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये कहाँ है, कहाँ स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड एट ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलभीट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताइए पिलभीत टाइगर रिजर्व जो है ये आपके कौन से राज्य में है, पिलभीत टाइगर रिजर्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, UP। अगला क्वेश्चन,
हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर बाउंड्रीज विथ नेपाल, नेपाल के साथ कितने इंडियन स्टेट्स जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं बताइए। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप भी नोट डाउन कर लेना अगर आपको नहीं पता है। असम हो गया, अरुणाचल लिख देता हूँ मैं, प्रदेश तो आप खुद लगा लोगे क्योंकि स्पेस है नहीं उतना अपने पास। वेस्ट बंगाल हो गया है ना, और एक और कौन सा स्टेट है भाई, सिक्किम। तो हो गए असम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बुडापेस्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, बताइए बुडापेस्ट शहर जो है ये कौन सी नदी के किनारे बसा है। बुडापेस्ट जो है ये आपके हंगरी की कैपिटल है, हंगरी, और यहाँ की करेंसी होती है फॉरिंट, फॉरिंट। और अगर बात करें कि ये कौन सी नदी के किनारे बसा है भाई, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी डेनब। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द बिगेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन डी जेनामेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट है मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, बताइए कौन से प्लैनेट्स के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं। तो देखिए अगर बात करें सबसे ज़्यादा सैटेलाइट, तो ऑप्शन नंबर ए सैटर्न के पास टोटल 82 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, और दूसरे नंबर पे आता है आपका जुपिटर, ठीक है ना, ये दूसरे नंबर पे आता है याद रखना, इसके पास 79 है, हैं। चलिए, यूरोप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए यूरोप का सबसे बड़ा शहर है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इस्तांबुल, जो आपका टर्की में है ना, और दूसरे नंबर पे आता है भाई आपका रशिया की कैपिटल मॉस्को, तीसरे नंबर पे आता है लंदन, और चौथे नंबर पे आता है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। तो वीडियो को डिपेंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।